ईशान और सभी हमेशा हमेशा के लिए होंगे अलग। कुछ इस तरीके से ईशान के साथ साथ सभी लेगी ये बड़ा फैसला। जहां एक तरफ सभी को पूरी तरीके से किसी भी कॉलेज में अब एडमिशन नहीं मिल सकता है, ना ही सभी कोई एग्जाम दे सकती है, क्योंकि सभी को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ईशान भी सभी के साथ सारे रिश्ते सारे संबंधों को तोड़ता हुआ नजर आएगा और सभी के हाथ में डाइवोर्स पेपर थमा देगा। लेकिन अब इन सबके बीच किस तरीके से हरिणीता की तबीयत ठीक होने वाली है, उन्हें होश आने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर सभी की मुसीबतें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी भी राव साहेब चुप बैठने वाले नहीं है। वो सभी को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ सभी ने कॉलेज के बाहर ही अपना नया काम शुरू कर दिया है, जो कि राव साहेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, जिस वजह से अब कुछ टाइम में सभी का ये काम भी बंद हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद किस तरीके से भोसले इंस्टीट्यूट के लोगों को सभी मुंह तोड़ जवाब देगी, साथ ही साथ अपनी जिंदगी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी। सभी IAS ऑफिसर ही बनेगी और उसे ईशान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ईशान को सभी की बहुत ज्यादा फिक्र होने वाली है और ईशान हॉस्पिटल में हरिणीताई से मिलने भी जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें सभी को पसंद नहीं आएगी, इसलिए सभी साफ साफ ईशान को कहती हुई नजर आएगी, आप मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहिए, आपके सामने मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद हो गए और आप कुछ कर भी नहीं पाए, इस बात को सभी बोलती हुई नजर आएगी। ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।